बच्चे अभी हम स्टार्ट कर रहे जो है पॉइंट मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो मेथड जो रिडम्पशन की मेथड कौन सी है, लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, दूसरा है पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग द लॉट, बाद में जो है थर्ड वो बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, एंड लास्ट में दिया हुआ है कन्वर्जन इनटू शेयर। तो बच्चा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, तो आप बोलोगे लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड। अंडर दिस मेथड कंपनी रिडीम द होल ऑफ दिस डिबेंचर इन वन लमसम एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद दिया हुआ है सच रिडम्पशन मे बी मेड एट अ पार और एट अ प्रीमियम अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इश्यू, हियर द डिबेंचर आर टू बी रिडीम अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो एज पर द सेबी गाइडलाइन। जिसमें पहली जर्नल एंट्री दी हुई है वो यहाँ स्क्रीन पे आपके यहाँ पे बोला हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th अप्रैल तक द ईयर इन विच डिबेंचर वेर रिडीम। तो ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, ऑन द मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 15% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। तो जो रिडीम करना है उसके 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो आप बोलोगे आखिरी की टाइम की बात हो रही है, व्हेन डिबेंचर आर टू बी सोल्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सपोज इसके अंदर कोई आप बोलोगे इंटरेस्ट होगा तो नीचे वो भी लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द रेट ऑफ 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट में से, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से अमाउंट लेंगे 25%, तो आप लिखोगे सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करोगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अभी आप बोलोगे सर पेमेंट करना है तो डिबेंचर अकाउंट होल्ड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे डिबेंचर अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर इसमें पेमेंट करना है तो बहुत सिंपल है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर होल्डर, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, और लास्ट में जो आपने रिडम्पशन अमाउंट क्रिएट की गई थी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे जनरल रिजर्व। जो मतलब यही डेट पे आपको वो एंट्री एक ही डेट पे सब कुछ होगी वो आपको ध्यान से समझना है। तो बच्चे ये पहले प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके साम हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चे इतना प्रॉपर लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के।